नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो आपको बोनस एनसीडी भी दे रहा है और आपको डिविडेंड भी पे कर रहा है। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में हमने पिछले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट किया था और इसमें हम उसके जो बोनस डिवेंचर ये सारी चीज़ें इश्यू कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वो स्टॉक है बेटेनिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया था उस समय मैंने इस टर्म को इंक्लूड नहीं किया। अगर इंक्लूड करता तो समझ जाइए कि वहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जिसमें भी डिविडेंड का न्यूज आ जाए, बोनस का न्यूज आ जाए, तो एक्स डिविडेंड डेट तक जो होगा स्टॉक ऊपर जाएगा और अगले दिन जितना आपको बोनस डिविडेंड मिल रहा है और साथ साथ जो बोनस के रूप में मिल रहा है उतना प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, एक्स डेट के बाद प्राइस जो है गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो क्योंकि उस पर प्राइस को एडजस्ट करेगा। जैसे 12 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दे रहा है तो उतना रुपीज़ नीचे आ जाएगा, साथ ही साथ जो डिबेंचर पे कर रहा है उसका भी एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है और डिबेंचर पे कर रही है बोनस के रूप में पे कर रही है। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी मिलेगा, साथ ही साथ 29 रुपीज़ फेस वैल्यू वाले डिवेंचर भी आपको मिलेंगे, एक शेयर पर एक डिवेंचर फ्री। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इश्यू एंड अलॉट बाय द वे ऑफ बोनस। बोनस के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा एक फुल्ली पेड अप डिवेंचर फेस वैल्यू जिसका 29 रुपीज होगा और बाय यूटिलाइजिंग इट्स जनरल रिजर्व, मतलब जो कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है, जो रिजर्व मनी है कंपनी का वो यूज करेगा कंपनी, उसके बदले अपने शेयर होल्डर को क्या देगा, यहाँ पर एक डिवेंचर देगा 29 रुपीज का। तो जैसे आपका 10 शेयर है तो 10 डिवेंचर मिलेंगे और उतना रिजर्व से काट लिया जाएगा, मतलब उतना कंपनी अब यूज कर लेगा, क्योंकि रिजर्व में जो रुपया है कंपनी के पास वो किसका है, शेयर होल्डर का। बोनस से भी कंपनी देती है तो उसी रिजर्व को यूज करके, डिवेंचर भी बोनस के रूप में दे रही है उसी रुपया को यूज करके, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का एक पार्ट किसके रूप में दे रहा है, डिविडेंड के रूप में। तो यहाँ पर देख लीजिए एक रुपया फेस वैल्यू का जो शेयर है उसके प्रत्येक शेयर पर डिविडेंड मिलेगा 12 रुपया 50 पैसा का। यहाँ पर आपको जो डिवेंचर मिलेगा वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, एनसीडी इसलिए बोल रहे हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, जिसपे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट आपको एफडी से ज्यादा होगा, जो अभी तय नहीं हुआ है। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तय करेगा कि कितना इंटरेस्ट आपको उसमें पे किया जाएगा, वो कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं होगा। कई बार आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर मिलता है जिसको आप कुछ फिक्स मैच्योरिटी टाइम के बाद वो आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा और इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो कूपन रेट होगा, इंटरेस्ट रेट कहें या इंटरेस्ट कहें, कूपन रेट इंटरेस्ट अभी तय नहीं हुआ है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्कीम और अलॉटमेंट डेट से पहले। देखिए प्रेयर टू डेट ऑफ अलॉटमेंट, जो डेट पे आपको अलॉट किया जाएगा उस डेट से पहले इसका इंटरेस्ट रेट तय कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी रेट तय करे वो रेट आपको एफडी का जो रेट अभी 5% है, अगर अलॉटमेंट के पहले 6% होगा एफडी का रेट तो 6% से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पिछले बार जो 2018 में डिबेंचर मिला था उसका इंटरेस्ट रेट था 8%, मतलब 8% इंटरेस्ट रेट था डिबेंचर पर पिछले 2018 के। तो इस बार जो है आप उससे समझिए ज़्यादा से ज़्यादा 8% आपका हो सकता है या आपको एफडी से थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ओवरऑल यही रहेगा सिनेरियो, आपको जो डिबेंचर मिलने वाला है बोनस के रूप में उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये दो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देना था और जो भी एनालिसिस है वो तो आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया। देखिए यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन पे मनी कंट्रोल पे हमने आया है, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स डेट जो है 25 मई है। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कोई शेयर जो है और कोई आपको शेयर बोनस में नहीं मिलने वाला, डिवेंचर मिलेगा। 25 मई इसका एक्स डेट है, 5 अक्टूबर 2020 को ही अनाउंस हुआ था यहाँ पर कि डिवेंचर आने वाला है कंपनी का, और यहाँ पर डिविडेंड का भी 25 मई एक्स डेट है और यहाँ पर देख लीजिए 1250% का डिविडेंड है, फेस वैल्यू एक है तो 12 रुपये 50 पैसा डिविडेंड के रूप में मिलेगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए।